विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ में बारिश होगी। बताया जा रहा है कि हमीरपुर, ललितपुर, बरेली, अलीगढ़ में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बारिश होगी। बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर में भी देखिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यूपी में आज कई जिलों में बारिश होने वाली है। मानसून ने दस्तक दे दी है, गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। वहीं आज कई जिलों में बारिश को लेकर देखिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यूपी में अचानक मौसम का देखिए मिजाज बदल गया है। भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो यूपी में देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है। आज देखिए कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वही देखिए लगातार हीट वेव से और प्रचंड गर्मी से लोग परेशान थे। अब मानसून ने दस्तक दे दी है, बड़ी राहत मिलने वाली है। वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, शामली में भी बारिश होगी। और देखिए बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी लोकेश और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है आज। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, कल रात तक बहुत तेज जो गर्मी है वो यहाँ पर बरकरार थी। और आपको बताएं कि जो उमस है वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को। घर से बाहर निकलने में भी तकलीफ थी, मौसम गर्मी बहुत था। लेकिन जब लोग सोए होंगे एसी चलाकर और सुबह जिस वक्त जागे हैं तो उनको बिल्कुल बदला हुआ मौसम मिला है। घने काले बादल जो है वो आसमान में लहरा रहे हैं और चारों तरफ जो है बारिश हो रही है। पिछले करीब करीब 4-5 घंटे से लगातार रिमझिम बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। निश्चित तौर पर इससे आम जनमानस को बहुत राहत मिली है, खास करके जो वर्किंग लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, जो गर्मी से परेशान थे, बेहाल थे। इसके अलावा जो किसान है उसको भी बहुत ज्यादा राहत की एक खबर बारिश लेकर आई है। और इस समय जो राहत की बूंदें हैं वो उनको आनंदित कर रही हैं। खेतों में एक अलग ही तरह का जो मिजाज है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे चारों तरफ सड़कें भीगी हुई है और जो पेड़ है वो भी अब पहले से ज्यादा खुशनुमा नजर आ रहे हैं। तो ये जो मौसम का मिजाज है कुछ ही घंटों पहले बदला और अब ये बताया जा रहा है, जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, कि बारिश अब लंबा चलेगी। मानसून आ चुका है और ये मानसून की पहली बारिश है, तो सब लोग जो हैं खुश होकर इसका स्वागत कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए हीट वेव से कई तमाम तरह की ऐसी बीमारियां भी आ चुकी थी, भीषण गर्मी से आम जनजीवन बेहद व्यस्त हो चुका था और लगातार देखिए अब इस बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लगातार मौतें हो रही थी और वो मौतें केवल और केवल गर्मी की वजह से हो रही थी। हीट वेव की वजह से 45 से 46 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था। अब खुशनुमा मौसम है, इस वक्त टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारे पीछे जो है वो बारिश हो रही है। और ये एक सुखद तस्वीर इसलिए है कि पिछले 2 महीने से, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली और एनसीआर का टेम्परेचर 40 दिनों के भीतर 40 डिग्री से पहली बार कम गया था और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों कम थे। तो फिलहाल बारिश लोगों के लिए राहत और खुशनुमा माहौल लेकर के आई है, क्योंकि मानसून की ये दस्तक है और मानसून की दस्तक के साथ साथ लोगों ने राहत महसूस की है। कल देर शाम से ही लगातार हवाएं चल रही थी पूरब दिशा से और एक उमस भरा मौसम जरूर था, लेकिन एक हवाएं जो है वो थोड़ी ब्रीजिंग इफेक्ट भी ला रही थी। लेकिन आज सुबह से ही काले घने बादल थे और अब बारिश तेजी से शुरू हो चुकी है। हालांकि ये बात जरूर है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा एनसीआर डिस्टर्ब होता है कि वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन लोग जो कि गर्मियों से जूझ रहे थे वो इस जाम से जूझने को तैयार है, लेकिन फिलहाल गर्मी से जूझने को तैयार नहीं है। और मौसम विभाग ने साफ किया है कि ये
जो मानसून है, मानसून आ चुका है, मानसून की दस्तक आ चुकी है दिल्ली के ऊपर और एनसीआर के ऊपर, तो ऐसे में अब लोगों को राहत मिलने वाली है और इसी तरीके का एक मौसम जो है अब अगले 1 से 1.5 महीने तक रहने वाला है। इसमें आम लोगों के साथ साथ किसानों के लिए भी थी अच्छी खबर है कि मानसून इस बार तकरीबन समय से ही पहुंचा है, क्योंकि 22 जून तक उसके दिल्ली पहुंचने की आशंका होती है। कई बार वो ये मानसून लेट भी हो जाता है 10 से 15 दिनों तक, लेकिन इस बार करीब 1 से 2 दिन की डिले पे ही मानसून आ चुका है। तो एक खुशनुमा माहौल है, एक अच्छी खबर है, खासकर किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि इस गर्मी से जूझ रहे थे, खतरनाक गर्मी से जो भी जानलेवा बन चुकी थी। बिल्कुल। और हमारे साथ सहयोगी संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए भीषण गर्मी से मानसून ने दस्तक देकर लोगों को बड़ी राहत दी है और किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल नंदनी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से भीषण गर्मी के बाद जो मानसून ने दस्तक दी है वो ललितपुर से, जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर से दस्तक दी है, तो वहीं कल तेज बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से ललितपुर में 3 किसानों की मौत भी हो गई है और 2 किसान है वो गंभीर हालत में, भी उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस तरह से कल बारिश ने अपना कहर बरपाया तो वहीं आकाशीय बिजली ने भी ललितपुर में अपना कहर बरपाया है। ललितपुर से मानसून शुरू होते ही यहां पे मौतों का आंकड़ा शुरू हो गया है। वहीं फिलहाल में जो ललितपुर के जिलाधिकारी हैं उन्होंने किसानों को राहत देने की बात कही है कि उनके जो पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको राहत दी जाएगी। फिलहाल में जिस तरह से ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से मौतें हुई हैं तो उससे कहीं उनके परिवार में जो किसान मरे हैं उनका पूरी तरह से कोहरा मचा हुआ है, क्योंकि जो किसान है वो उनके परिवार को पालते थे, वो उनके उनके परिवार चलता था उससे। जी बिल्कुल, ललितपुर में जी नहीं। जी, हमारे सहयोगी लोकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, देखिए चलचलाती धूप, 44 डिग्री का टेम्परेचर और इसके बाद अब मानसून ने बड़ी दस्तक दी है, बड़ी राहत मिलने वाली है सभी लोगों को। ये बात तो तय मानी जा रही थी, क्योंकि पूरा मई का महीना हो, मई के महीने में हमने खबरें देखी थी कि जो लास्ट 2 फेज थे इलेक्शन के, वहां पर लोगों के उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौतें हुई, जिसमें मतदान करने भी थे, आम लोग भी थे। और जो जून के महीने के अंदर पिछले 50 साल में इस तरीके की गर्मी नहीं हुई, जहाँ टेम्परेचर 46, 45 और 48 तक क्रॉस करे, और ये इस बार हुआ और इसी वजह से लगातार मौतें हुई, जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। अब जब ये बारिश आई है तो ये वाकई लोगों के लिए एक राहत की खबर लेकर के आई है, क्योंकि ये बारिश जो है न केवल लोगों को चलाती गर्मी से, उस भीषण गर्मी से राहत दिला रही है, बल्कि एक एहसास भी करा रही है। और देखिए खेती किसानी के लिए भी बारिश बहुत अहम है। पिछले हमें याद है कि जब शुरुआत हुई थी मार्च में ही मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की थी कि इस बार मानसून जो है हर बार से बेहतर होगा और गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन मानसून समय से रहेगा और मानसून की जो बारिश है, क्योंकि मानसून के ऊपर भारत जैसे देश की कृषि व्यवस्था टिकती है, जिसमें की हमारा करीब 10 से 15% की कृषि की भागीदारी है, खासकर GDP में। तो ऐसे में अगर किसानी बेहतर होगी तो आम लोगों के लिए भी राहत रहेगी। लेकिन उन सबके बीच एक बड़ी जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि जो वज्रपात जैसी घटनाएं हैं वो होती हैं, उसको लेकर सरकार भी जो है सजग है और सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके के वीडियो माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर बिजली गिरे तो आपको पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, खेत में है तो उसमें बैठने का एक तरीका बताया गया है कि अगर आप पास कहीं आकाशीय बिजली गिरती भी है तो उसमें लोगों की मौत नहीं, क्योंकि अगर मौत होती है तो परिवार के लिए भी परेशानी होती है। और हमारे साथ सहयोगी संजीव लगातार बने हुए हैं। संजीव, देखिए मानसून ने दस्तक तो दे दी है लेकिन कई तरह की तैयारियां भी करनी पड़ेंगी अब। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से ललितपुर का जिला प्रशासन है वह तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल में जिस तरह से मानसून आया है तो भाई किसानों के जो खेत हैं उनको बुवाई के लिए लग गए हैं। तो जैसे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो हमेशा ऐसे गर्मी बहुत गर्म कहलाता है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, करीब 47 से 48 टेम्परेचर यहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार देखा जा रहा है। यहाँ पर कई किसानों की गर्मी से मौतें भी हुई है। तो उसके बाद जिस तरह से आप ललितपुर में मानसून, ललितपुर के माध्यम से मानसून आने आया तो भाई कल देर रात में तेज बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वह पूरी तरह से लबालब हो गई थी, जो खेत हैं किसानों के खेतों में भी पानी भरपूर आ गया, तो किसान अब खेतों की ओर दौड़ पड़े हैं। एक राहत भरी बात है कि जिस तरह गर्मी के बाद अब बारिश हुई है तो बारिश के बाद अब किसान है अपने खेतों पर पहुंच गए, क्योंकि जो बारिश कल करीब 2 से 3 घंटे लगातार बारिश हुई है,
बारिश होने की वजह से जो आकाश से बिजली भी गिरी है, तो वहीं खेतों पर किसानों की मौत भी हुई है। फिलहाल में जो किसान है वह गर्मी से राहत हासिल कर रहे हैं और उन्हें पानी की सुविधा बारिश के माध्यम से मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आम इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बड़ी राहत मिलेगी, चिलचिलाती धूप और बढ़ते हुए टेम्परेचर से वो भी बेहद परेशान हो गए थे। बिल्कुल, जिस तरह से बुंदेलखंड का जो टेम्परेचर है वो काफी 40 से 50 डिग्री तक पहुंच गया था। बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे अधिक गर्मी रहती है, टेम्परेचर यहाँ अधिक रहता है। उसके बाद जिस तरह से जो बारिश हुई है, मानसून आया, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक राहत की सांस ली है, गर्मी से बचा। जिस तरह से उमस भरी गर्मी यहाँ पे हो रही थी उसमें गर्मी से मौत भी हुई है, तो अब कहीं ना कहीं बारिश आने से लोगों में राहत की सांस ली है। जी बिल्कुल, लगातार देखिए अब किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। किसान भी अब बेहद राहत उन्हें मिलेगी क्योंकि चिलचिलाती धूप से वो अपने खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे थे। जी संजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से धूप में किसान पहले काम करता था और उसमें ही वहां पे गर्मी के कारण उनकी मौत हो जाती थी, अब लेकिन बारिश की वजह से अब जो किसान है वह खेतों की ओर दौड़ पड़े हैं, बुवाई कर रहे हैं, खेती करने के लिए अपने बीज डाल रहे हैं जिससे उनको अच्छी पैदावार हो सके। और वह जो किसान साहूकारों से कर्ज लिए, बुंदेलखंड में अधिक जो किसान है वह साहूकारों से कर्ज लिए, कर्ज लेकर अपनी फसल बोते हैं, तो वही जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश के बाद अब किसान खेतों की ओर दौड़ पड़े हैं, तो अब बुवाई कर रहे हैं और खेतों में बीज डाल रहे हैं जिससे अच्छी पैदावार हो सके। इस बार देखा जा रहा है कि जो मौसम का अनुमान है कि इस बार बारिश अच्छी होने की संभावना बताई गई है, और हमेशा ही बुंदेलखंड का जो ललितपुर है वह सूखे की मार झेलता रहा है, तो कभी इस बार लेकिन मौसम विभाग द्वारा तेज ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, तो इससे किसान है वह पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि देखिए चिलचिलाती धूप से, हीट वेव से लगातार मौतों का जो आंकड़ा था वो भी बढ़ गया था, लेकिन अब मानसून ने दस्तक दे दी है, ये बड़ी राहत मिलेगी अब लोगों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ललितपुर जनपद के यूपी से ही जो मानसून की यहाँ से शुरुआत हुई है, तो कल तेज बिजली के साथ बड़ी बारिश हुई है, करीब करीब 2 से 3 घंटे लगा ललितपुर में के आसपास क्षेत्रों में काफी देर तक बारिश, बड़ी तेज बारिश होने के वजह से किसानों ने राहत की सांस ली है। जी आपने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से किसान की मौत हो गई है और 2 किसान गंभीर रूप से झुलस गए थे, अभी उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से कल तेज बारिश के साथ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 किसान जो खेत पर बुवाई कर रहे थे उनकी मौत हो गई है, तो वहीं 2 किसान हैं वे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज उपचार जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। कल खेत में बुवाई करते हुए जाखलोन थाना क्षेत्र के 2 किसान हैं, वह एक सिंधवाहा का किसान बताया गया है, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आज यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, मानसून ने दस्तक दे दी है, सभी को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रचंड गर्मी से, भीषण गर्मी से लगातार आम जनता सभी लोग बेहद परेशान हो गए थे, लेकिन अब मानसून ने दस्तक दे दी है, अब लोगों को ठंडक मिलने वाली है। वही देखिए आम जनता के साथ साथ जानवर भी बेहद परेशान हो गए थे और अब मानसून ने एंट्री दे दी है, कई जिलों में आज भीषण बारिश होने वाली है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए आज यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं कहा जा रहा है कि मानसून ने इस बार दस्तक दे दी है और अच्छा खासा मानसून रहेगा भी किसानों के लिए, बड़ी खुशखबरी है। तो भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है आज से, और कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, शामली के तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और प्रचंड गर्मी से देखिए बेहद चिलचिलाती धूप से, हीट वेव से आम जनता बेहद परेशान हो गई थी, लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन अब मानसून ने दस्तक दे दी है, ललितपुर से मानसून ने दस्तक दी, जिसके बाद से अब देखिए भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, गोंडा, अयोध्या, मेरठ, ये तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें आज अलर्ट जारी कर दिया गया। भीषण गर्मी से लेके मानसून ने जब दस्तक दी, बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है लोगों को। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुर से। मोहित, देखिए भीषण गर्मी से मानसून ने जब दस्तक दी है, लोगों को बड़ी राहत मिली है आज। नंदिनी देखिए, बिल्कुल जो है मानसून ने दस्तक दे दी है और सुबह से करीब 3 घंटों से हापुड़ जनपद के अंदर लगातार यहां पर बारिश पड़ रही है और इसी के देखते हुए जो भीषण गर्मी में जो लोग परेशान थे उन्हें उन लोगों को राहत मिली है, क्योंकि जून के महीने में जो चिलचिलाती धूप और लू के थेपड़ों से जो लोग परेशान थे, जिनका पसीना भी यहाँ नहीं सूख रहा था और इस भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना भी लगातार करना पड़ रहा था, इस बारिश के होने से लोगों को काफी राहत मिली है। साथ ही साथ जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको ये बारिश भी काफी लाभदायक है और किसानों के चेहरे भी यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बारिश होने से किसानों की फसलों को काफी यहाँ पर फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग गर्मी से परेशान थे, बच्चे भी गर्मी के कारण परेशान थे क्योंकि घरों से निकलने के लिए दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं इस बारिश से आज जो है लोगों को काफी राहत मिली है और जो तापमान है उसमें भी काफी यहाँ पर गिरावट हुई है और लगातार सुबह से यहाँ अभी तेज हवाओं के साथ में बारिश जारी है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर इटावा से।